for the chapter, that is light for class 8. See, what is light before moving on that? The basic logic that if we are able to see the object with our eyes, the reason or the logic, what is the practicality behind that? अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उसका सिर्फ एक रीजन है कि जो भी लाइट का सोर्स है वहां से, चाहे वो सनलाइट का डायरेक्ट सोर्स है और एनी आर्टिफिशियल सोर्स लाइक लाइट लैंप और समथिंग बल्ब, तो उससे जो भी लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है, बिकॉज लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो लाइट की रेज जो है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक और वो डिसिपेट होती है, एंड फाइनली दैट डिसिपेटेड रेज व्हेन रीचेस आवर आईज, वो हमारे आईज तक पहुंचती है, वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज बोर्ड, आई एम एबल टू सी दिस बोर्ड. व्हाई? बिकॉज़ फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक विद डिफरेंट एंगल्स एंड दैट रीचेस माय आईज एंड आई एम एबल टू सी दिस बोर्ड. इफ समहाउ I block this pathway of reaching the rays to my eyes with my hand as obstruction. तो क्या होगा? That I will be not be able to see this board. Reason being, the rays that was striking back and reaching up to my eyes, that obstruction is added by my hand physically, due to which I will not be able to see this board. So दुनिया में अगर हमें कोई object नजर आ रहा है, this is because कि उस object के ऊपर light fall कर रही है and वो rays जो है हमारी आंखों तक पहुंच रही है. तो light is just being a form of energy and bearing certain characteristics, जैसे कि light एक form of energy है जो हमेशा light जो है straight travel करती है, एक उसकी different mediums के अंदर defined speed है, और वो बहुत सारे natural phenomena या कुछ practical applications के अंदर इंप्लाई होती है, जैसे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रेक्शन है, या फिर डिस्पर्शन के फिनोमेना है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइट के करेक्टरिस्टिक्स में एड ऑन होती है. कमिंग अप, ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टू क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ये इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास थ्रू एमिट लाइट इजीली हो जाएगी उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा, जिससे कम होगी ना तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पे है और ना ही बिल्कुल स्टॉपेज पे है, मतलब लिटिल बिट और पार्शियली द लाइट विल बी अलाउड टू पास ऑन, दैट विल बी ट्रांसलूसेंट, एंड ओपेक विल बी जिससे लाइट बिल्कुल भी एमिट नहीं करेगी या पास ऑन नहीं करेगी. उसी तरह से दो तरह के से और ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस वो है जो ऑब्जेक्ट खुद ही कोई लाइट को एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनस कहा गया है, और जो नहीं करते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस कहा गया है. इसी बेसिस पे लाइट के कुछ फिनोमिनास है जिसमें सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्शन की, जैसे कि मैंने आपको ये बोर्ड का एग्जाम्पल दिया दैट आई एम एबल टू सी दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, दैट इज अ फिनोमिना दैट इज बेसिकली दैट रिलेट टू द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, कि इस सरफेस पे जो है लाइट फॉल करे फॉर टेकिंग अप दिस, इफ द लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस एंगल ऑन दिस पॉइंट देन दिस एंगल आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस एंगल दिस सरफेस दिस ऑब्जेक्ट दैट इज डस्टर, द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल एंड दिस विल रीच अप टू द ऑब्जर्वर आईज एंड ही विल और शी विल बी एबल टू सी दिस डस्टर. Somehow this phenomena of reflection of light relatable to this is a reflection. और reflection जो है वो दो तरीके से हो सकती है, that is regular and irregular. Depending upon, अगर मैं regular की बात करूँ तो जब मेरा surface जो है वो smooth है तो वो एक parallel beam of rays के हिसाब से जो है reflect होगी, लेकिन अगर irregular की बात करूँ, when the surface is irregular, तो वो जिस angle से incident हो रही है उस surface के ऊपर वो उस हिसाब से स्कैटर्ड फॉर्म में जो है डिसिपेट होती है, स्कैटर होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा गया है. अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चले गए साइंटिस्ट वर्क ऑन दिस, दे केम अप विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. उन्होंने कुछ टर्म्स को समझना पहले ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले अगर ये प्लेन मिरर है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज द इंसिडेंट रे. ये कोई भी इंसिडेंट रे है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से सोर्स ऑफ लाइट जो है वो रेस ट्रैवल कर रही है, एंड दिस स्ट्राइक ऑन दिस एंगल, दिस इज द नॉर्मल दैट इज 90
When from a source of light, the light travels from here and incident light gets strike on the surface. This is with the angle I, that is angle I stands for angle of incidence. ये वो angle है जिससे कि incident ray जो है इस surface के ऊपर strike करेगी. जिस angle से ये I है उसी angle से ये reflect करेगी, मतलब टकरा के वापस bounce back करेगी. That is angle R. So angle R stands for angle of reflection. और यही reflection of laws of reflection जो है उनमें से एक law. तो यहाँ पर नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, बेसिकली ये एरोस की डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी है कि किस तरह से सोर्स ऑफ लाइट डिराइव किया है. इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है और रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद वो इस तरफ जा रही है, इस तरफ डिसिपेट हो रही है. तो यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है. और इसी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव है, जिसमें सबसे पहला लॉ तो यही बोला था कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई इक्वल्स आर है मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा, दैट इज 30 डिग्री. दैट इज जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा. अगला लॉ था, सेकेंड लॉ था इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि वो एक ही प्लेन में लाए करते हैं. Now coming up with the next phenomenon related to light, that is multiple reflection. जैसे कि reflection मैंने अभी आपको बताया कि surfaces से strike करने के बाद वो अलग अलग directions में dissipate करती है depending upon the angle of incident ray. Angle of incidence कितना है, smooth surface है या rough surface है, regular नहीं है, irregular है. Multiple reflection के आपके जो syllabus में दो examples include करूँ तो kaleidoscope and periscope उसके example है. Kaleidoscope अगर एक में suppose we need to construct it in our room, what I will take is I will take one piece of mirror like this, straight rectangular piece, one piece more and another more, that is three rectangular pieces, and I will align them in a way that one piece is attached like this, another piece is like this, and the another one is below this, and a triangular form of shape structure will be formed. और उसके mirror जो polished surface है वो internally directed होंगे. और उस structure को seal out करने से पहले मैं उसके अंदर कोई भी objects डालूंगी. Suppose if I have been added beads, तो what I will be able to see when I will observe from in that kaleidoscope, multiple reflection will take place, क्योंकि मुझे तीनों mirror के surfaces के अंदर object की वो images नजर आएगी, मतलब एक bead की मुझे तीन तीन images नजर आएंगी. तो दिस इज हाउ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, की एक रिफ्लेक्शन नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, एक बार स्ट्राइकिंग हुई दूसरी बार स्ट्राइकिंग हुई एंड दैट मूव्स ऑन. दूसरा एग्जांपल पेरिस्कोप का है. पेरिस्कोप एक तरह का रेक्टेंगुलर स्लिट है, उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट रहता है जहां पे यहां पे मिरर्स डायरेक्टेड रहते हैं. फ्रॉम हियर व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एंड लाइट इज एंटरिंग, वो पहले यहां स्ट्राइक करेगी, यहां से यहां स्ट्राइक करेगी और यहां से यहां फाइनली ऑब्जर्वर उसे देख पाएगा. तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शंस को ही जब एक से ज्यादा हो रही है इनको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है. Now, if I'm talking about dispersion, next phenomena, dispersion एक ऐसा phenomena है जहाँ पे colored spectrum हमें नजर आते हैं, जहाँ white light जो है वो split करती है seven colors of band में, और वो जो seven band of colors है उनको हम क्या कहते हैं, spectrum. जहाँ पे विवग्योर की बात आती है, that is violet stand for, V stands for violet, that is विवग्योर, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो हमारे पास ये बैंड जो सेवन कलर्स का है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और जब व्हाइट लाइट इन सेवन बैंड्स ऑफ कलर्स में स्प्लिट होती है उसको हम डिस्पर्जन का फिनोमेना कहते हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है आप देखते हैं, रेनबो जो बनता है वो इसी का एक फिनोमेना है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में मैंने आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का गिरना वो उस बात को है कि वी दैट रेज रीचेस आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक विजन का ऑर्गन है जिसको हम आई कहते हैं, उसकी फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है. तो वो फंक्शनिंग के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द आई स्ट्रक्चर. बेसिकली अगर मैं ह्यूमन आई स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के पास जो है
हमारे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक प्रॉपर स्क्रीन है, सेल्स है, लेंस है और बहुत सारे मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है जो एक रेगुलर वर्किंग एफिशिएंटली देती है। नाउ टेकिंग अप कंटिन्यूइंग अप विद ह्यूमन आई, दैट इज ह्यूमन आई इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर। Red, red नजर आ रहा है, तो वो प्रॉपर इमेज एंड दैट
image formation is responsible because of these light sensitive cells or photoreceptors present on the screen, that is retina of the eye, that is cone and rod cells. और ये lens का size भी increase और decrease depending upon कि हमारे retina के ऊपर image बन जाए, वो contraction और relaxation, extension of size जो है, that is regulated by the attachment of muscles, that is ciliary muscles. ये ciliary muscles जो है, इस lens के जो walking है, इसको control करते हैं. Finally, retina, as I already told you, this is screen. The image formation will be on this retina, जहाँ पर cone और rod cells present है, that are light sensitive cells, that will be responsible for making the image or the colorful image that we are perceiving light from the outside environment. The whole this part of the human eye is the screen, that is retina. Only this part where there is no directed light. This part is known as blind spot क्योंकि ये वो part है screen की retina की sheet की side का जहाँ पर कोई भी rod और cone cells present नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी image formation नहीं होती है. And यहाँ से ये सारे light sensitive cells जब एक information perceive कर लेते हैं, उन signals को ये optic nerve के through brain तक पहुँचाते हैं, जहाँ brain इनको further accessorize करके जो है हमारी information and image formation के लिए responsible है. इस बीच इस cornea और यहाँ तक के space में there is a fluid filled aqueous humor कहा जाता है उसे, that is known as aqueous humor, and the space between lens and this retina is also filled with fluid, that is vitreous humor. So this is all about the structure and the function of or working of eye, that how we are able to perceive the image of object with the help of this vision capability. Till now, I have completed the half part of chapter light that we have revised about what is light, what are reflections, laws, or the working of human eye and the structure. In next lecture, I will be taking up the next topic, that is defects related to vision. कि ये जो हमारे पास capability है to see with our organ, sense organ, that is eyes, the vision, तो उसके अंदर जब defects आने लगे, तो हमें किस किस तरह के problems को face करना पड़ता है, या उनको correct करने के लिए हमारे मेथड्स अवेलेबल है. और जो लोग प्रॉपरली ब्लाइंड हैं, मतलब दे आर अनेबल टू सी या पार्शियली ब्लाइंड है, जिनके पास ये विजन किसी एक्सीडेंटल के कारण या फिर फ्रॉम बर्थ दे हैव नॉट बीन कैपेबल ऑफ सीइंग दीस ऑब्जेक्ट दिस कलरफुल वर्ल्ड, उनके लिए कौन से सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, जिसमें हम ब्रेले सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.